धूप में आजकल लोग रहना भी छोड़ दिए हैं, सब जिस लोग एसी में हाँ रहता सब है, लोग सबके एसी में घर रहने एसी लगे है। हैं, इस कारण विटामिन डी एक सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। अभी कॉमर्शियल स्केल पे नहीं कर रहे, जैसे आपको बताया कि अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, तो रिसर्च में एक बार हम लोग कॉमर्शियल स्केल पे कैसे करना है वो अगर हो जाता है तो। कहीं ना कहीं एक ग्लोबल और ग्लोबल पैमाने पर हाँ देखा जाए कि विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, और देख रियली अपने लाइफ में कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना, तो अपना खुद का सेटअप करना है, खुद के बारे में सोचना है। देखिए अगर अकेला रहता तो बिल्कुल ये नहीं हो पाता। नमस्कार, आप गुड मॉर्निंग बिहार देख रहे हैं। हमारे पीछे कुछ छात्र हैं जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं अंडे का प्रोडक्शन। इनका फॉर्म हाउस है, वो भी बड़े पैमाने पर। आपको बता दें कि गौरी चौक में इनका प्रोडक्शन हाउस है और उसमें लोग अंडे का प्रोडक्शन करते हैं। इनके अंडे में आखिर क्या खासियत है कि लोग जानने के लिए इच्छुक है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? स्वागत है गुड मॉर्निंग बिहार में। आप बताइए अपने अंडे का प्रोडक्शन के बारे में। अंडे का प्रोडक्शन तो ऐसे काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन फिर हुआ कि नहीं कुछ विशेष करना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो एक अवसर मिला था हम लोग को कॉलेज की भी तरफ से कि कुछ रिसर्च किया जाए उस पर। तो हम लोग सोचे कि क्या अंडे में अच्छा किया जाए। तो पता चल रहा था कि ऐसे भी खबरों में पढ़ रहे थे कि काफ़ी लोगों में 80-90% लोगों में विटामिन डी का कमी है, जिसके वजह से बोन लॉस और इधर कोरोना के मांसपेशियों में दर्द, हाँ मांसपेशियों में दर्द और हड्डी का टूटना भी है, कमज़ोर होना, और कोरोना में खास करके इम्यूनिटी भी प्रभावित हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोचे भी इसी पे काम करते हैं और इसको किस तरह से अंडे में बढ़ाया जाए। और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स काफ़ी कम है, ये सिर्फ सूर्य का प्रकाश से सिर्फ, हाँ सूर्य का प्रकाश, और खाने में सिर्फ फिश और एग और मीट वगैरह में बहुत, तो खास करके नॉनवेज हम लोग यहाँ लोग कम खाते हैं। और धूप में आजकल लोग रहना भी छोड़ दिए हैं, सब लोग एसी में, हाँ सब लोग सबके एसी में रहने लगे हैं, इस कारण विटामिन डी एक सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा जो सभी लोग के पास आसानी से उपलब्ध हो और सब लोग खाते हो, इस चीज़ पे काम करेंगे तो आज ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। फिर वही अंडे पर हम लोग सोचे कि विटामिन डी कैसे बढ़ाएं, तो प्रोसेस फिर हुआ कि नहीं, और यूवी लाइट होता है जिसके थ्रू हम लोग को भी स्किन से बनाते हैं, सेम प्रोसेस मुर्गियों में भी होता है, उनका भी हम लोग लेग एक्सपोज करते हैं और जो ऊपर में आप कॉम देखते हैं उसको हम लोग यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज यूवी लाइट मतलब आपके पास आया कहाँ से? यूवी लाइट हम लोग ऑर्डर करके मंगाया, इंडिया में तो मिलता भी नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग चाइना से मंगवाए हैं। और अभी कितना मंगवाए हैं लाइट आप लोग? अभी तो हम लोग दो मंगवाए हैं। दो, एक लाइट में कितना मुर्गियाँ रह सकती है? एक लाइट में फिलहाल जो हम लोग टेस्ट सैंपल है वो चार है। आपका जांच के लिए कहा गया था? नाइपर हम लोग फर्स्ट टाइम भेजे थे, हाजीपुर नेशनल लैब है, और उसके बाद फिर हम लोग एक सेकंड ओपिनियन के लिए और थोड़ा सा हम लोग एल्टर भी किए थे, डोज बढ़ाए थे। कुछ रिपोर्ट आप लोग वहाँ करीब करीब लैब में जो टेस्ट हुआ है उसका रिपोर्ट है इनके पास, जो लैब में टेस्ट हुआ है इनका अंडा, और उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ से, क्या आप लोगों को? नहीं, सर लोग भी काफ़ी, पहली बात तो जब हम लोग गए हम लोग बताए कि इस तरह का हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सर लोग इम्प्रेस्ड हुए कि तुम लोग इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हो, और फिर बोले कि नहीं हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और तुम्हारा वो जांच भी कर देंगे हम विटामिन डी का। फिर हम लोग डायरेक्टर साहब से मिले, वो भी सपोर्ट किए, फिर हम लोग सैंपल दिए और फिर रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया और करीब करीब 20 times हम लोग का बढ़ चुका था विटामिन डी एक्सपोजर से। मतलब एक अंडा 20 times मतलब 20 अंडे के बराबर, 20 अंडे के बराबर। तो एक अंडा आपका खा लेगा तो आदमी 20 अंडे का शक किया जाएगा। जी विटामिन, गर्मी में तो अंडा कम खाया जाता है ऐसा कहा जाता है कि लोग 20 अंडे खा नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि इन लोगों का आप लोग एक अंडा खा लीजिए, 20 अंडे का ताकत आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन वो पटना में कहाँ उपलब्ध होगा, कहाँ हम लोग खोजेंगे आपका विटामिन डी वाला अंडा? वो तो हमारे फार्म पे मिलेगा, और ये पटना में किसी दुकान में या कहीं नहीं मिलेगा? अभी कोशिश हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह अवेलेबल कराया जाए, अभी कॉमर्शियल स्केल पे नहीं कर रहे, जैसे आपको बताया कि अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, तो रिसर्च में एक बार हम लोग कॉमर्शियल स्केल पे कैसे करना है वो अगर हो जाता है ये तो। आइडिया कहाँ से आया आप लोग के दिमाग में? बताया तो अभी सारा कि ये हम लोग को अवसर मिला था रिसर्च करने का, और
हाँ तो फिर हम लोग काम किए और ये विटामिन डी पर ही क्यों किए, क्योंकि ये ग्लोबल, हाँ 80-90% लोगों में ये कमी है। आइडिया कब आया होने वाला ये अंडा, ये आइडिया कब आया आप लोग के दिमाग? आइडिया तो बहुत पहले हम लोग आया था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आया था, बट इसको हम लोग ने रिसर्च के तौर पर सेमेस्टर 4 में आके किए, जब हम लोग को पेपर मिला, रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन मिला, तो उसमें जाके हम लोग इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाए। ये आपका नाम? गौरव कुमार। आप बताइए आपका क्या योगदान है इसमें? जी हम लोग का एक साथ में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, और विटामिन डी का पर्पस हम लोग शुरू से एक बार रिसर्च पेपर चेक कर रहे थे कि किस पे किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल और ग्लोबल पैमाने पर हाँ देखा जाए कि विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, और देखा जाए तो प्रेगनेंसी में हाँ विटामिन डी की बहुत सारी कमियाँ होती है, एल्डर लोगों में बहुत सारी, जो बुजुर्ग है उनमें बहुत सारी कमियाँ होती है, हाँ जैसे कि बोन डेंसिटी का कम होना, फिर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं मसल्स ग्रोथ नहीं होना, और विटामिन डी का एक रोल और भी है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है। हाँ, जो हमारे बॉडी में यदि विटामिन डी भी की कमी होगी तो ऑफकोर्स कैल्शियम की भी कमी होगी, फॉस्फोरस की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर जितना चाहिए उसे मिल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्पस, इस रिसर्च के पीछे हम लोग का यही पर्पस है कि लोगों तक हमारी जो विटामिन डी है जो एक दिन में चाहिए होता है, जो तो एक अंडे से नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अंडे पे विटामिन डी का इंक्रीजमेंट कर हाँ उस बड़े पैमाने पे और ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। 4 या 5 साल का बच्चा ये अंडा खा सकता है? हाँ बिल्कुल खा सकता है, ऑफकोर्स खा सकता है। और आप बताइए कि जो युवा है, हाँ जो युवा है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, लेकिन आप लोग सड़क पर उतरने के बजाय आप लोग फार्म हाउस खोले हैं। बिल्कुल हाँ, ये चीज मैं उन युवाओं को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जाकर आंदोलन कर हाँ नारेबाजी कर सरकार के गेट के सामने या फिर उनके सामने हाथ पैर जोड़कर और धूप में खड़े रहने के बजाय, मतलब टाइम वेस्ट है वो सारी चीज़ें। हाँ, आपको यदि करना है कुछ, रियली अपने लाइफ में कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना, तो अपना खुद का सेटअप करना है, खुद के बारे में सोचना है, वो उस लायक तो बनिए। बिल्कुल, आप उस लायक तो बनिए। हाँ हाँ, और सरकार तो इस चीज के लिए नाबार्ड को भी ऐसा चीज किया है, हाँ जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक द्वारा है, हाँ वो खुद सेटअप करने के लिए ये आदमी को मतलब इनिशिएट करते हैं, हाँ कि आप आगे बढ़िए, हाँ देने के लिए तैयार है लोन। हाँ, उद्यमी योजना के तहत सरकार 10 लाख का लोन दे रहा है, आपको वापस नहीं करना है, 5 लाख ही वापस करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। आप लोग अप्लाई नहीं किया? हम लोग को पहले ही मिल चुका है, वो भी पूरा 10 लाख, 15 लाख के करीब। 10-10 लाख सबको मिला है? नहीं, सबको इसने अप्लाई किया है। आप ट्रेनिंग किए हैं? हाँ, तो रिसर्च भी किए हुए थे इस पे, जैसे मैं बताया तो ग्रेजुएशन के बाद हम इस पे रिसर्च करने। आपको पैसा मिल गया? मिला। उस सेटअप को, उस शेड को बनाने में, हाँ फार्म हाउस को बनाने में कम से कम 80 लाख to 1 लाख रुपए, 1 करोड़ लग चुका है, तो उतने बड़े पैमाने में लगभग लगभग के परिवार, जो फैमिली है वो इतना पैसा आप लोग को दे दिया कि जाओ ऐसे इन्वेस्ट कर दो? डर नहीं लग रहा था कि क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, कुछ इस टाइप का डर? नहीं, तो घर से उतना पैसा लगा ही नहीं, बता तो रहे आपको, सारा लोन है, ऑलमोस्ट 90% जो इसका कॉस्ट है वो लोन पर है। कुछ चुकाए हैं अभी लोन? ऑलमोस्ट 80% तो चुका दिए हैं, 80-90। मतलब कि आमदनी बहुत है इसमें। आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने 2017 में 80-90 लाख का लोन लिया और 80% चुका चुके हैं। तो उन युवाओं के लिए हम बताना चाहते हैं कि आप लोग भी स्टार्टअप कुछ कीजिए और ऐसे ही सरकार को कोसते मत रहिए। एक और है, उनसे जानते हैं। जी आपका नाम? करण कुमार नाम है। आप बताइए आपका क्या योगदान है, क्या क्या किए हैं दोस्त लोग का हाथ बटाने में? देखिए मैं अकेला रहते तो बिल्कुल ये नहीं हो पाता, अकेले नहीं या पार नहीं होती, कहा जाता है। वो तो अच्छे कि इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, और कहते हैं कि दोस्ती भी अच्छे लड़के से करो तो अच्छा बेटर फल मिलता है। तो वही बस भरोसा कहते हैं बिजनेस में, तो कहा जाता है कि धोखा दे देगा, पैसा रख लेगा, इस टाइप का भरोसा करना सबसे बड़ी बात होता है। आप कैसे किए भरोसा? हम लोग मतलब जब मिले तभी से हम लोग अटैच्ड हो गए, एक साथ में बातचीत वगैरह, बॉन्डिंग बन गया। बातचीत एक तरह का रहन सहन, हम लोग सभी को नॉनवेज बहुत पसंद है, खासकर के इसको और मुझे, तो खास करके हम दोनों का दोस्ती बहुत करीबी है, क्योंकि विटामिन डी बहुत होगा। पूजा वाले हम लोग,
लड़कियां इस टाइप का काम नहीं करती। कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों के साथ नहीं रह सकती, काम नहीं कर सकती। आप कैसे सोची, तीन तीन लड़के और इन लोग का बात, बहुत टाइप की परेशानियां होती होगी आपको, या समाज के लोग भी, आप जाएंगे मार्केट में तीन लड़कों के साथ घूमिएगा तो आपको भी कुछ सुनने को मिल सकता है, जैसा समाज है, आप कैसे आगे बढ़ी? मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब बेलोक से पहली बार मुलाकात हुई थी कॉलेज में, तो मैं तो एकदम झल्ली वाली टाइप, एकदम सबके साथ दोस्ती यारी, और ये लोग से जब बात किया तो मुझे लगा नहीं ये मेरा दोस्त बन सकता है, क्योंकि दुनिया में अगर जब लड़की किसी लड़के से दोस्ती हाथ ही बढ़ाती है तो दुनिया वाले बोलते हैं लड़कियां तो घर में चूल्हा चौक हाँ ये बोलते हैं लोग पीछे, तो मुझे लगा कि लोग तो बोलते हैं अच्छे करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे लोग काम है, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि लोग की बोलती बंद हो जाए। तब आपकी तारीफ हो रही है आपके गांव में, इसका एक फंडा था। हाँ, इसका एक फंडा ये था हाँ कि लड़कियां हाँ आजकल लड़कों से पीछे नहीं है, हाँ नहीं है। तो हमेशा आगे रहने की कोशिश की है इसने, हाँ फैमिली से बिल्कुल भले ही थोड़ा बहुत एक बात आज हम आगे हैं, आज हम आगे हैं, कल आपको हम लोग फिशरी के लिए गए हुए थे, हम चारों लोग तो सब्सिडी के लिए होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 20% लड़कियों के लिए है और 10% लड़कों के लिए, तो उन्होंने बोला सर ने आप तो लड़की है आप कैसे करोगे, आप एबल हो करने के लिए, लड़के तो भाई करते हैं लड़कियां कैसे करेगी, आज तो कभी मैंने सुना नहीं, लेकिन आप वो करके दिखाती भाई, मुझे है कि मुझे करना है, मुझे बाकी शादी सबकी होती है सबको करना है, बट एक वक्त पे क्यों ना, जो मुझे इतना वक्त मिला है क्यों ना कुछ अच्छा कर जाए, तो मम्मी पापा को प्राउड फील हो कि मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है, तो ये लोग हमारे थोड़ा सा फैमिली टाइप है, फैमिली और फ्रेंड है। सो एक दिन में आपके मुर्गी फॉर्म में कितना अंडा प्रोडक्शन होता है? करीब 10,000। 10,000 कैसे वो बिकता है मार्केट में, प्राइस क्या रखे, एक कैरेट में लगभग 32 या 33 अंडा कितना आता है? 30 अंडा आता है। उसका प्राइस रोज डिपेंड होता है, वो एक एजेंसी होती है NECC जिसके थ्रू उसका प्राइस रेगुलेट होता है, मतलब आप लोग को आता है प्राइस? हाँ, हम लोग को प्राइस आता है, अपने मन से नहीं रख सकते, नहीं नहीं, कभी 150 हो गए कभी 110 हो गए, इसी हिसाब से आप हम लोग फार्म हाउस से अप्रोक्स 4.7 अंडा का रेट 4 से 5 रुपए रहता है, ठंड में 6 तक जाता है और गर्मी में 3 तक। और साफ सफाई का क्या ख्याल रखते होंगे आप लोग? साफ सफाई तो काफी रखना पड़ता है, मुर्गी फार्म में सुनते हैं कि बहुत साफ सफाई नहीं तो मुर्गियां मर जाती है या कुछ हो जाता है उन लोगों को, इसलिए उन लोगों को साफ सफाई रखना जरूरी, उसके लिए आपके फार्म में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, फॉगर है वहाँ, सैनिटाइजर है, और फिर हम लोग मेन खाने में क्या देते हैं उन लोगों को? खाने में जो उन लोग का प्रॉपर डाइट हो गया, जैसे कि प्रोटीन का सही अमाउंट होना चाहिए और आपका फिर विटामिन का होना चाहिए, प्रीमिक्स होता है वो सही से होना चाहिए, और जो डाइट है वो आप मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। कितना टेम्परेचर? 24 to 28 degrees। तो हमारे साथ कुछ छात्र लोग थे और ये अपने प्रोडक्शन में विटामिन डी का उत्पादन कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि एक बल्ब से, ये बल्ब नहीं है वो बल्ब, इन लोग कहीं और से मंगाइना से, चाइना से वो बल्ब आता है और उससे मुर्गियों को सेका जाता है। एक दिन में एक मुर्गी कितने अंडे देती है? एक अंडा देती है। फिलहाल इनके पास बहुत कम बल्ब है, लेकिन इन लोग आगे चलकर बड़े पैमाने पर अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और अधिक अपडेट के लिए आप बने रहें गुड मॉर्निंग बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले।